सभी को नमस्ते। सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। कल हम लोगों ने लेक्चर 19 कंप्लीट किया था और उसके लिए असाइनमेंट लिया था। तो कल के असाइनमेंट के रूप में हमने अभ्यास एक के स्टेप 6 और 7 को दोहराया था। और उससे पहले हमने देखा था कि हमारे लिए भागीदारी क्या है। स्वयं में ज्ञान समाधान को सुनिश्चित करना, परस्परता में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना, यही कुल हमारे लिए करने के लिए काम है। ये अगर हमारे जीने का केंद्र बन जाए कि स्वयं में ज्ञान समाधान सुनिश्चित करना और परस्परता में हर क्षण अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना, तो हमारे में ज्ञान की भी पूर्णता होती है और आचरण की भी पूर्णता होती है। उस तक ही कैसे पहुंचे उसके लिए अभ्यास एक में हम लोगों ने क्रमशः एक एक स्टेप में अपनी सजगता को बढ़ाने का काम किया था, अपने मूल्यांकन को और गहरा करने का काम किया था। उसी संबंध में हम लोगों ने ये असाइनमेंट भी लिया था। तो कल दिन में हमने जो ध्यान दिया हो उससे कुछ निष्कर्ष निकले हो या कुछ उससे प्रश्न बने हो तो उसको यहाँ रख सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। कल प्रश्न पूछ रहे थे लेकिन नेटवर्क कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, प्रश्न रह गया था। कल की एक स्लाइड में भैया जड़ इकाई और चेतन इकाई के नीचे एक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक था, यानी जड़ इकाई का जो डेवलपमेंट है वो साइक्लिक है, रचना विरचना से रचना होगी फिर विरचना हो जाएगा, और चेतन में वो साइक्लिक नहीं है, है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से है। तो उसको मैंने जो सोचा था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप बताएं इसमें। इस प्रश्न को जब मैंने सोचा तो चूंकि जड़ इकाई जो है ना वो बाउंडेड अनित्य है, वो है ना, वो टाइम में बाउंडेड है, तो इसलिए वो साइक्लिक हो सकती है। लेकिन जो चैतन्य इकाई है वो निरंतर है, वो टाइम में बाउंडेड नहीं अनबाउंडेड है, तो वो साइक्लिक नहीं हो सकती, वो तो सीधे ही जाएगी। क्या इस तरह से सोचना ठीक है भैया? पूरी तरह से नहीं जी। तो पहली बात तो ये कि जड़ इकाई में डेवलपमेंट या विकास कहीं नहीं रहे, उसमें तो रचना विरचना मात्र हो रही है। तो ऐसा नहीं कि उसमें डेवलपमेंट ए इधर साइक्लिक है और इधर ए साइक्लिक है, ऐसा नहीं, डेवलपमेंट है ही नहीं जड़ इकाइयों में, खाली रचना विरचना हो रही है, उसके आधार पर संगठन विघटन हो रहे हैं, है ना, उसके आधार पर प्राणावस्था में प्राण कोशाएं बन रही हैं, उनमें पुष्टि हो रही है और फिर वापस वो पहली स्थिति में चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार घटना दिखाई देती है जड़ में, वहाँ विकास नहीं है। ठीक है भैया। चक्रियता है और चक्रियता भी इसी प्रकार से रचना विरचना के आधार पर, तो बेसिकली उनको कह रहे हैं कि इसमें निरंतर इकाइयां नहीं है, क्योंकि इस रचना विरचना के क्रम में उनके गठन में भी परिवर्तन होता रहता है। चैतन्य इकाइयों को देखें, यहाँ ना तो रचना विरचना है ना गठन में परिवर्तन है, इसमें क्रियाएं जागृत होती है, तो ये एक अलग ही स्थिति दिखाई देती है। जैसे हम अपने आप में देखें तो हमारे अंदर क्रियाएं जागृत हो रही है, ना कि हमारे गठन में कोई परिवर्तन हो रहा है, ना हमारे अंदर कोई रचना विरचना हो रही है, क्रियाओं में जागृति हो रही है, इसलिए इसको अलग रखा। तो इसलिए कहा कि यहाँ विकास है, या तो हम विकास नहीं कर रहे हैं या विकास कर रहे हैं, और इसको सीधी रेखा में इसे रखा चक्रियता, इसलिए नहीं कि विकास हो गया, अगर ऊपर की कोई क्रिया जागृत हो गई तो फिर मैं लौट के पुरानी स्थिति में नहीं जाता हूँ। ठीक है। कल्पनाशीलता में फिर भी ऐसा हो सकता है, मतलब उसमें वैसे क्रियाओं की जागृति देखें तो जागृति नहीं घटेगी, परंतु मान्यताएं बढ़ घट सकती है, ये हो सकता है जी। परंतु एक बार चैतन्य इकाई में जो ऊपर की क्रियाएं हैं चिंतन बोध अनुभव, वो अगर जागृत हो गए जी तो बढ़े रहेंगे। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू भैया, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। बढ़िया भैया जी। और नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, अदर फ्रेंड्स जी। नमस्ते कुमार भैया। एक्चुअली ना वो शोरमिला दीदी उस टाइम में कुछ बोल रहे थे, उसी के ऊपर हम क्वेश्चन किया था, तो एक क्वेश्चन आपसे भी है। क्वेश्चन मतलब जो रियलाइजेशन है वो था जो रिलेशनशिप, तो वो एक्चुअली गीता दीदी बोल रही थी जो तो ऐसा भैया जो अंग्रेजी सत्र में चर्चा हो रही थी ना उसे कंटिन्यूएशन में, या तो कल ही इस प्रश्न को रख ले। ठीक है। गीता दीदी का प्रश्न भी नहीं क्लियर होगा और जो दीदी बात कह रही थी वो भी अभी नहीं सुना होगा, तो कल अंग्रेजी सत्र में रख ले, ज्यादा अच्छा रहेगा इसको। हाँ ठीक है जी भैया। ठीक, थैंक यू। बढ़िया भैया। जी
तो स्टेप सिक्स और सेवन को लेकर कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। स्टेप सिक्स में हम अपने आप से पूछ के देख रहे हैं, स्टेप फाइव में ये हमारे अंदर ये भाव बनता है कि मुझे समझने की आवश्यकता है, क्या समझे इसको जब डिसाइड करने जाते हैं। तो स्टेप सिक्स में हम अपने आप से पूछते हैं कि मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार होता है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का। और ये हम अपने आप में अगर इसको करते रहें, सिक्स ए को, जब भी किसी परिस्थिति में हो अपने आप से पूछ के देखें कि मुझे इस परिस्थिति में, इस क्षण, इस व्यक्ति के साथ क्या भाव सहज रूप से स्वीकार होता है। कोई व्यक्ति आपके साथ अनिष्ट कर रहा हो, कोई व्यक्ति आपके साथ व्यवहार ठीक न रख रहा हो, किसी व्यक्ति के बारे में विचार करते हुए आप परेशान हो रहे हो, तो भी वहां पर अगर अपने आप से पूछ ले तो हम ठीक ठीक कार्यक्रम बना पाएंगे। तो संबंध का भाव स्वीकार होता अगर हमको दिखे, तो संबंध के भाव के साथ ही हम अगले व्यक्ति के साथ व्यवहार करेंगे। अगला व्यक्ति कुछ अनिष्ट भी कर रहा है उसको रोकेंगे भी, बट हमारा भाव नहीं बिगड़ेगा। भाव नहीं बिगड़ेगा तो हम सुखपूर्वक निर्णय ले पाएंगे, समझ पूर्वक निर्णय ले पाएंगे, और जो निर्णय लेंगे वो उभय सुख के अर्थ में होगा, सार्थक होगा। अगर हम अपने आप में इस बात को तय ही ना कर पाए कि कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार होता है, संबंध का या विरोध का, तो हो सकता है हम विरोध में आ जाए, फिर एक गलती के बजाय है ना के बाद दूसरी के बाद तीसरी, और सब परस्परता में शुरू हो जाता है। तो कई बार जो संबंध में समस्याएं मल्टीप्लाई होती हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई होती हैं क्योंकि हम अपने आप से पूछ नहीं पाते, देख नहीं पाते उस क्षण में, इस क्षण, इस व्यक्ति के साथ, इस परिस्थिति में मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार है। वो दिख जाए तो उसके अर्थ में ही निर्णय लेंगे, उस अर्थ में ही हम योजना कार्यक्रम बनाएंगे। अगर ये ना दिखे तो फिर इसके अन्यथा शुरू हो जाता है। वैसे व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, और जब अपने आप से पूछेंगे तो आपके अंदर और कुछ प्रश्न खड़े होंगे, इस क्षण में संबंध का अर्थ क्या है, इस क्षण में व्यवस्था का अर्थ क्या है, है ना। हो सकता है आपके अंदर और भी कई सारे प्रश्न तैयार हो कि क्या संबंध की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही है, अगले व्यक्ति की नहीं, क्या ये प्रकृति में व्यवस्था की जिम्मेदारी अकेले मेरी ही है, दूसरे की नहीं। और अगर आप इसको ब्रॉडर सेंस में देखें तो कई बार हम इस तरह के प्रश्नों को इग्नोर कर जाते हैं। तो अगर ये बातें हमें दिखाई दें, स्वयं में स्पष्टता हो, तो हम उसके जड़ में जाकर सही निर्णय ले पाते हैं। मतलब इससे पहले कि वो विचार फैले, उसके आधार पर हमारे निर्णय हो जाएं, और फिर वो परस्परता में जाए और फिर बाहर कोई समस्या फैले, उससे पहले अपने आप में तय कर लेते हैं, अपने आप को समेट लेते हैं ना? और फिर जो हम योजना कार्यक्रम बनाते हैं इन भाव के साथ बना पाते हैं। तो हम अपने आप में इस बात को पूछ के देख लें, ठीक, और अभ्यास रूप में कर रहे हैं तो प्रोएक्टिवली हम इसको रोज पूछ रहे हैं अपने आप से, हर क्षण पूछ रहे हैं, और फिर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे अंदर अगर संबंध का भाव ही सहज रूप से स्वीकार होता है तो इसके चिंतन पे काम करने की जरूरत है, व्यवस्था का भाव ही स्वीकार होता है तो व्यवस्था के बोध की जरूरत है, सांस्कृतिक अनुभव की आवश्यकता है, तो उसके लिए काम करेंगे, और वो काम हमारे लिए हर क्षण का काम है कि नहीं। अभी सिस्टम में काम करते हुए लोग इतनी सारी परेशानी व्यक्त करते हैं, ठीक, और बाहर की इतनी सारी समस्याओं गिनाते हैं। अगर हम अपनी कल्पनाशीलता को भी देखें, अगर हम अपने साथ समय लगाएं, देखें कि बाहर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर बहुत सारा हमारे अंदर विचार चल रहा है, उसके कारण अंतर विरोध तैयार हो रहा है, दूसरे प्रति विरोध का भाव तैयार हो रहा है और हमको दुखी परेशान करने के लिए पर्याप्त है। और हम अपने आप से अगर ये चीजें पूछ के देख लें एक बार कि मुझे क्या सहज रूप से स्वीकार है, तो आप पाएंगे मेरा भाव विचार धीरे धीरे इसके अर्थ में व्यवस्थित होने लगता है। क्योंकि अगर मुझे यही स्वीकार है तो मैं फिर अपने अंदर विरोध के भाव को क्यों चला रहा हूँ, अव्यवस्था के भाव को क्यों चला रहा हूँ, है ना। फिर तो वहीं उसका मूल्यांकन हो जाए, अपनी आवश्यकता स्वयं दिख जाए, और जब हम अपने चिंतन के लिए काम करने जाते हैं तो दिखता है कि इसमें कितनी तैयारी की जरूरत है, ठीक। और जितना जितना हम अपने चिंतन, बोध, अनुभव के लिए गंभीर होते हैं, निष्ठावान होते हैं, उतना उतना दूसरे के प्रति उदारता का भाव बढ़ता है कि जब मैं इतनी बारीकी से मेहनत करके भी इसको अभी इंश्योर नहीं कर पा रहा हूँ तो अगला कहाँ से कर पाएगा, वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा, और जब नहीं कर पाएगा तो उसका आचरण निश्चित कैसे होगा, तो जो कर रहा है वो वैलिड है तो करेगा ही, है ना। अगला व्यक्ति तो ऐसी गलतियां करेगा ही जब वो इतने ध्यान से अपने ऊपर काम नहीं कर रहा, अपने को देख नहीं रहा, तो मान्यताओं के आधार पर तो जिएगा ही। तो अगले के प्रति हमारे अंदर एक उदारता का भी भाव आता है, और फिर हम उसके लिए जो भी कार्य करते हैं तो उसमें रिएक्शन नहीं होता, बल्कि हम ये देख पाते हैं कि अल्टीमेटली इसके अंदर चिंतन का भाव, चिंतन की क्रिया जागृत होनी है, इसके अंदर बोध की क्रिया जागृत होनी है, उसके लिए क्या किया जा सकता है।
आप आएंगे लौट के फिर हम वहां पर जरूर पहुंचते हैं कि अल्टीमेटली है ना कुछ ऐसे प्रोसेस इनका गुजरना जरूरी है जिससे सेल्फ एक्सप्लोर करें। अभी हम लोग कुछ दिन पहले एक कॉलेज में 3 दिनों का एक वर्कशॉप कर रहे थे और हमने पाया कि जिस तरह से कॉलेज में एजुकेशन दिया जा रहा है फैकल्टी स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सभी सुविधाओं को लेकर बहुत सारा काम कर रहे हैं बहुत सारा विचार कर रहे हैं कि ढेर सारा इनोवेशन करना है इंक्यूबेशन करना है बच्चों में उद्यमिता का विकास करना है आदि आदि। और जब ये बात आती है तो उनको लगता है कि सुविधाओं को हटाने की बात हो रही है या सुविधाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है और उससे उनके पूरे जीने पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है उनके पूरे योजना कार्यक्रम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है तो काफी परेशान होते हैं काफी तिल मिलाते हैं फिर 1-2 दिन का समय लगाकर फिर धीरे चीज सेटअप होती है कि हम ये नहीं करें सुविधा हटा दे बट सुविधा की सीमा को तो हम देख लें। तो जितना सारा हम विरोध पैदा करके अव्यवस्था पैदा करके सिर्फ सुविधा संग्रह के लिए भोग के लिए काम कर रहे हैं तो आदमी अभी 2 तरह से चलता है। अगर आप सुविधा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो उसको लगता है सुविधा हटाने की बात हो रही है और अगर ऐसा नहीं तो सुविधा संग्रह की बात हो रही है। सुविधा की आवश्यकता सीमित है सामने की उसको हम देख ही नहीं पाते। वैसे ही न तो संबंध को हटाने की बात हो रही है न दूसरे के दबाव में जीने की बात हो रही है संबंध पूर्वक जीने की बात हो रही है। तो इस तरह के जब भी वर्कशॉप से लोग गुजरते हैं तो आपको दिखता है कि अगला व्यक्ति कहाँ कितना किस प्रकार से फंसा हुआ है ना। कुछ दिन लग जाते हैं कई बार सेटल होने में शायद उतने दिन में भी सेटल ना हो। तो संबंध की जब हमारे अंदर चाहना स्पष्ट होती है और जब हम ऐसे एक्सरसाइजेस से गुजरते हैं स्वयं भी और दूसरे को भी गुजरने का सहयोग करते हैं तो हमें दिखता है कि दूसरे को निकलने में समय लगेगा। बहुत जगह फंसा हुआ है व्यक्ति बहुत सारी मान्यताओं में उलझा हुआ है। तो हमारे अंदर जितना जितना ये भाव पुष्ट होता है उतना उतना दूसरे प्रति उदारता का भाव आता है और दूसरे की स्थिति सुनकर देखकर उसके साथ संवाद करके ये समझ में आता है कि उसके अंदर चिंतन की क्रिया जागृत करने के लिए भी कितना सारा होमवर्क बचा हुआ है कितना सारा ध्यानाकर्षण करने के लिए अवसर चाहिए कि नहीं। तो एक तो सतत कार्यक्रम हमको अपने आप में दिखाई देता है कि मुझे तो अपने अंदर चिंतन बोध अनुभव के लिए काम करते रहना है। दूसरा दूसरों में जागृत करने के लिए ये जो सारी तैयारी है जो तक नहीं होगी वो होगा नहीं तो उसके लिए हमारी एक निश्चित भागीदारी भी दिखाई देती है कि नहीं। तो 6A में हम इस बात को अपने आप से पूछे कि हमें सहज रूप से क्या स्वीकार होता है और 6B में इस बात को अपने आप में निर्णय कर पाते हैं कि मुझे स्वयं में हायर लेवल एक्टिविटीज को जागृत करना है। फिर स्टेप 7 में हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि मेरा निर्णय इसी आधार पर हो है ना मेरा जीना इसी आधार पर और उसको एक क्षण से बढ़ाकर हर क्षण तक ले जाने की जरूरत है जी। तो उसको इंश्योर कर रहे हैं अपने कल्पनाशीलता में भी अपने आचरण में भी। बढ़िया नमस्ते भैया नमस्ते सभी को जी नमस्ते भैया मेरी आवाज क्लियर है जी क्लियर है जी भैया अभी अभी जो बात हो रही है उसको लेकर अभी अभी मेरी इतनी एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम भी क्या मतलब मैं कुछ ऐसी मानसिकता में फंसी हुई थी उससे मैं निकल आई हूँ अभी अभी जो बात हुई। अगर हमारे पास टाइम है तो मैं अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करूँ ऑब्जर्वेशन भी है और रियलाइजेशन भी है समथिंग लाइक दैट संक्षेप में थोड़ा कर लीजिएगा और कर ले तो अच्छा रहेगा बाकी लोगों का ध्यान का थोड़ा संक्षेप में कर लीजिएगा जी। जी थोड़ा सा ये था कि लास्ट ईयर मेरी मदन-इन-लॉ बहुत बीमार थी बेड रिडन थी और हम जो है मेरी 2 बेटियां और मैं हमने अपना टाइम बांध रखा था हम ऐसे की डिवाइड कर रखा था हम उनका ध्यान रखते थे ऐसे डिवाइड करके लेकिन मेरी सिस्टर-इन-लॉ जो बाहर रहती है दिल्ली से और मतलब मेरी देवरानी और मेरी सिस्टर-इन-लॉ मतलब मेरी ननद दोनों में से कोई भी जो है आते थे लेकिन खाना खाया चाय पी और चले जाते थे बस। उसको लेकर मेरे मन में बहुत ये था कि कभी ये देखते नहीं कभी ये सोचते नहीं कि हम भी थोड़ा एक दिन ध्यान रख लें हम भी थोड़ा सा हेल्प कर दें। इसको लेके मेरे मन में बहुत वो था विरोध सा था कि मतलब मैं उनको अच्छे से अटेंड नहीं कर पाती थी जैसे वो आते थे करते थे अटेंड लेकिन मन में विरोध का भाव था
लेकिन अभी अभी जो जैसे बातें हुई उससे मेरे को ये समझ में आया कि शायद वो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस था, शायद वो लोग देख ही नहीं पा रहे थे कि वो हेल्प कर सकते हैं, या उनके मन में ये विचार ही नहीं आया, उनकी इतनी योग्यता नहीं थी देखने की, कह सकते हैं कि मुझे भी हेल्प की जरूरत हो सकती है। शायद उनको ये लगा कि ये तीनों जो हैं कर रहे हैं तो हमें जरूरत ही नहीं है रुकने की, या लेकिन मेरे मन में हमेशा ये था कि कभी ये कहें हम आज रात रुक जाते हैं, आज हम दिन में देख लेते हैं, आप अपना जॉब आराम से करिए, कभी नहीं कहा उन्होंने। 1.5 साल तक ये सब चला और अभी तक मैं सहज नहीं हो पाई थी, लेकिन आज ये बातें सुन के मुझे लग रहा है कि उनकी इंटेंशन खराब नहीं थी, वो शायद करना ही चाहते होंगे लेकिन उनको शायद एक्सप्रेस करना नहीं आया। बाकी बस इतना ही संक्षेप में कहना चाहूंगी। भैया क्या मैं ठीक हूँ? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। बात यह है कि आपने ध्यान दिया और आपका ध्यान चला गया और उससे कुछ चीजें मूल्यांकित हो गई, अपने प्रस्ताव को भी बारीकी से सुना कि उसको आप जीने से जोड़कर देख पाए। बहुत ही बढ़िया दीदी। जी थैंक यू भैया। अभी रक्षाबंधन पे उन सबने आना था और मैं सोच रही थी आएंगे, मैं कैसे दिल से अटेंड कर पाऊंगी, लेकिन आज ही सुन के लग रहा है कि नहीं मैं कर पाऊंगी। थैंक यू जी सो मच। जी बढ़िया। और रक्षाबंधन पर उनसे कमिटमेंट ले लीजिए राखी बांधने के आधार पर कि आपको एक वर्कशॉप अटेंड करना हाँ या श्योर है। जी 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 कहिए कि हमें थैंक गिफ्ट यू के रूप भैया। में बस यही चाहिए, है ना? ना हमें कोई आप सुविधा दीजिए ना कुछ, है ना, और चीजें। हमें बस आप एक कमिटमेंट दीजिए कि आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे। या श्योर यस जी भैया थैंक यू सो मच बढ़िया दीदी। सर। नमस्ते नमस्ते। सर, मेरा ना थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है, थ्रॉट इन्फेक्शन, उसकी वजह से आवाज क्लियर नहीं है सर। सही आ रही है आवाज जी, समझ में आ सर? रहा है। ए हाँ जी सर, एक तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ आप उससे पहले उसका आंसर दे देते हैं, इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। और सेकंड, कल मैं दिल्ली आई थी तो दिल्ली में जो मेरी फैमिली में कुछ मेरी कजन सिस्टर थी उसके साथ, उसने जो अपने साथ जो घटना घटी उसके बारे में बताया कि फिजिकल फैसिलिटीज में वो इतनी इन्वॉल्व थी, पहले बड़ा घर ले फिर छोटा घर ले ये ले, तो उसमें रिलेशनशिप्स में बहुत सारे उसमें जो एक प्रॉब्लम्स आई वो भी वो बता रही थी कि ऐसे ही मैं अपने केयर नहीं कर पाई फैमिली मेंबर्स में, इतना उनको हेल्थ की केयर नहीं कर पाई, तो उस वजह से उसके हस्बैंड भी ये एक्सपायर हो गए लास्ट 6 months में। तो जब मैं उसकी ये बातें सुन रही थी तो मेरे को सिर्फ सर आपके बारे में ख्याल आ रहा था कि आपने हमें कितनी अवेयरनेस दी है कि हम लोग उन चीजों से हटके जो हमारी बेहोशी थी उससे हटके हम किस दुनिया में एंटर हो गए। और मेरा इतना मन करे कि मैं उसको ये समझाऊं कि ऐसे जीना है, पर वो जो भाव था मेरे लिए वो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि वो कैसे मैं उसको समझाऊं, कैसे करूं कि वो भी हम जैसे अवेयर हो जाए। तो ये जो प्रॉब्लम थी उससे पहले ये क्वेश्चन मेरा था, आपने वो पूरा इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा, वो सारा समझ आ गया कि हम लोगों को ये सार्वभौम हमारी भागीदारी है कि हम किसी भी तरीके से कोई प्रोग्राम ऐसा बनाए कि उसमें जो ये प्रॉब्लम्स है उसकी भी अवेयरनेस जागे। और वो जितनी परेशान थे ना सर, मेरे को उसको देख के ना इतना ज्यादा मन ऐसे हो रहा था कि जल्द क्या कोई कैसे वर्ड्स में उसके साथ बताऊं कि वो भी ऐसे हम जैसे अवेयर हो जाए। फिर जो आपने ये बात की कि हम भी उसको एक वर्कशॉप के लिए कह सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है सर। हम जो भी ऐसे जो परेशान हो, जो जिनके अवेयरेंस ना हो, सेल्फ इतना ज्यादा ना अवेयर हो, तो उसको हम इसके लिए कह सकते हैं कि वो भी ये प्रोग्राम्स और अटेंड करें। बहुत बढ़िया दीदी। सर बहुत ज्यादा गला खराब हो रहा है, 1 महीना हो गया। अच्छा, इसके लिए आप अलग से एक बार कभी शमला दीदी से बात कर लीजिए, दीदी का गाइडेंस मिल सकता है आपको। और ये जो आपने शेयरिंग की बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया दीदी।
तो लेक्चर 21 में अब हम मॉड्यूल 5 शुरू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मॉड्यूल 1 में इस पूरे कोर्स के बारे में परिचय लिया और अभी तक जो स्टडी किया था उसको हम लोगों ने दोहराया। मॉड्यूल 2 में हमने इस बात को देखा कि अल्टीमेटली जानने वाला कौन है, जानने की वस्तु क्या है, जानने की प्रक्रिया क्या है, है ना, ज्ञान क्या है, ज्ञाता क्या है, ज्ञेय क्या है, इन मुद्दों को हमने स्टडी किया, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है उसको स्टडी किया। मॉड्यूल 3 में हमने मानव के ज्ञान को लेकर विस्तृत चर्चा की। मॉड्यूल 4 में हमने अस्तित्व के ज्ञान को लेकर विस्तृत चर्चा की और आखिरी लेक्चर में इस बात को देखा कि मानव और अस्तित्व के ज्ञान के साथ मानव का भागीदारी यानी जीना किस प्रकार हो सकता है। अब हम लोग इसको विस्तार पूर्वक मानवतापूर्ण आचरण के अर्थ में स्टडी करने वाले हैं। तो इसको दो प्रकार से रख सकते हैं मानव के आचरण को, इस प्रकार से देखें तो दो मॉडल्स निकल कर आते हैं। उसमें आप पाएंगे कि मुख्य रूप से वस्तु तो वही है ना, उसको रखने के प्रस्तुत करने के ढंग दो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग अब मॉड्यूल 5 में मानव के आचरण को और आखिर में पूरे कोर्स के समक को रखेंगे जी। तो आज हम लोग मॉडल 1 पे चर्चा शुरू करते हैं। तो हम लोग ज्ञान को लेकर अभी चर्चा करते रहे, जैसे मानव के ज्ञान, अस्तित्व को ज्ञान को लेकर चर्चा किया, अब मानव के आचरण के ज्ञान को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जी। तो ये हमने देखा था ज्ञान की वस्तु के रूप में मानव का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और मानव के आचरण का ज्ञान, ये तीन मुद्दे हैं। 3.1.1 मानव का ज्ञान है जिसपे मॉड्यूल 3 में हमने चर्चा की। 3.1.2 अस्तित्व का ज्ञान है जिसपे हम लोगों ने मॉड्यूल 4 में चर्चा की। अब मानव के आचरण के ज्ञान को लेकर हम लोग कुछ लेक्चर्स में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद विवेक के अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद इसके आगे जो 9 बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। जो प्रोसेस है वही है कि हम अपने आप में चिंतन बोध अनुभव में जागृत हो जाएं। चिंतन की वस्तु स्वभाव है, बोध की वस्तु धर्म है और अनुभव की वस्तु सहस्तित्व है जी। तो ज्ञान को सुनिश्चित करने के क्रम में हमने मानव और अस्तित्व को डीपली एक्सप्लोर किया, अब हम लोग मानव के आचरण के ज्ञान को लेकर चर्चा करने वाले। तो उसे दो प्रकार से देख सकते हैं, तो दो मॉडल्स रखे जाएंगे, मॉडल 1 एंड मॉडल 2। पहले मॉडल 1 पे चर्चा कर लेते हैं जी। तो मॉडल 1 में हम अभी तक जिस रूप में मानव की भागीदारी को देखते रहे हैं उसको केंद्र में रख के चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम जरूर ये बात रख सकते हैं कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है जब हम हायर एक्टिविटीज से लोअर एक्टिविटीज को मूव कर रहे हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी है जब हम लोअर से हायर एक्टिविटीज को मूव कर रहे हैं। तो अभी हमारी जो स्थिति है उसमें हम अभी लोअर एक्टिविटीज में एक्टिव हैं और धीरे धीरे हायर एक्टिविटीज को अवेकन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब अभी हम अपने आप को देखते हैं ना, तो हम अभी जहाँ खड़े हैं वहां से ऊपर की एक्टिविटीज को एक एक करके समझने का, उसको स्वयं में जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। एक संभावना ये भी है कि जब हमारे अंदर अनुभव की क्रिया भी जागृत हो जाती है तो उसके साथ जो हमारे पूरे जीने का क्रम बनेगा वो कैसा होगा, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो अभी जब हम आचरण का अध्ययन कर रहे हैं तो हम बेसिकली अनुभव के साथ मानव का आचरण किस प्रकार होगा इसको स्टडी करेंगे मॉडल 1 में। एक बार मेरे अंदर अनुभव की क्रिया जागृत हो गई, उससे बोध की क्रिया पूर्ण हो गई, चिंतन की क्रिया पूर्ण हो गई, उससे मेरे अंदर क्रियाओं की पूर्णता हो गई, अब मेरे आचरण की पूर्णता किस प्रकार होगी, अब मेरी कल्पनाशीलता की स्थिति किस प्रकार होगी, अब मेरे व्यवहार कार्य भागीदारी किस प्रकार होगी, इसको हम लोग मॉडल 1 में स्टडी करेंगे। तो ऐसा दिखाई देता है। तो एक बार है ना, जैसे अगर हम नीचे से भी ऊपर जा रहे थे तो हम अभी आशा से ऊपर चल के विचार, विचार से ऊपर चलकर इच्छा, इच्छा में भी हमने चित्रण को मूल्यांकित किया, उसको अपने अंदर ठीक से देखने समझने का प्रयास किया, वहाँ जो मान्यताएं बनी हुई हैं उनका मूल्यांकन किया, और करते हुए हम इस क्रम में धीरे धीरे अनुभव तक पहुंच गए। अब अनुभव की स्थिति में जाकर क्या स्थिति बनती है मेरी, तो जब मेरे अंदर अनुभव की क्रिया जागृत होती है तो मुझे पूरा अस्तित्व सहस्तित्व के रूप में दिखाई देता है। मुझे दिखता है कि जो प्रकृति है वो इकाइयों का समूह है और ये सारी इकाइयां शून्य में बनी हुई हैं, शून्य में बनी रहते हुए ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं,
परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, इसी प्रकार पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में बना हुआ है, हमेशा से था, है, हमेशा ही रहेगा और ऐसा ही है। मुझे सिर्फ इसको देखना शेष था जो मैंने देख लिया है। इसके साथ मेरे अंदर स्वयं में सुख की निरंतरता होती है। इसको मैं देखता हूँ तो मुझे परमानंद की स्थिति दिखाई देती है स्वयं में। तो ये मुझे जब दिखाई देता है तो उसका प्रमाण मिलता है। जब तक नहीं देखा था आंशिकता में देख रहे थे, अब पूर्णता में देख रहे हैं। तो जब पूर्णता में देखा मैंने अस्तित्व सहअस्तित्व है, तो उसका प्रमाण मुझे स्वयं में कैसे मिलेगा? अब बाकी सारी क्रियाएं उसी आधार पे चलेंगी। जब तक उसको नहीं देखा था ना, तब तक तो आंशिकता में था, उसके बारे में हमारे अंदर एक रहस्य था। तो नीचे से ऊपर जब जा रहे थे तो क्रिया जागृत होती जा रही थी, बट पूर्णता नहीं थी, कुछ ना कुछ उसमें भय शंका रहस्य बना हुआ था। अब जब पूरे अस्तित्व को जैसा वैसा देख लिया तो उसका प्रमाण भी तो मिलेगा ना। अभी सारा कुछ जो भी शेष था ज्ञान के अर्थ में वो दूर हो गया, ये उसका प्रमाण मिलता है स्वयं में। तो इस अनुभव का मुझे प्रमाण मिलता है, ये प्रमाण फिर मेरे बोध में पूर्णता के रूप में दिखाई देता है कि जो मैं चारों अवस्थाओं की व्यवस्था को बारी बारी से देख रहा था, है ना, समझने का प्रयास कर रहा था, व्यवस्था दिख भी रही थी पर उसका आधार नहीं दिख रहा था। तो मैं अवस्थाओं में स्वभाव को देख पा रहा था, उनके धर्म को देख पा रहा था, बट ये नहीं दिख पा रहा था कि इसका आधार क्या है, कैसे ऐसा बना हुआ है, ये निश्चितता किस प्रकार है, ये ऊर्जित होना किस प्रकार है, परस्परता किस प्रकार बनी हुई है। अब जब दिख गया सहस्ती तो जैसा है वैसा दिख गया, इसमें पूर्णता हो गई, उसमें आनंद की स्थिति बनी मेरे में और ये बोध की पूर्णता हो गई। तो उसका प्रमाण मिला, अनुभव हुआ, उसका प्रमाण मुझे कहाँ जाके मिला? बोध की पूर्णता में। अब ये जो बोध में पूर्णता आई तो मेरे अंदर उसके साथ ही अपने अंदर क्रियाशील होने का, परस्परता में क्रियाशील होने का निर्णय हुआ। इसको कहा संकल्प। संकल्प को अगर फैला कर रखें तो संपूर्णता के अर्थ में कल्पनाशीलता का निश्चित होना। अब ये जब हमारे अंदर बोध हो गया अवस्थाओं का, तो हर एक अवस्था के साथ कैसे जीना है, इसके साथ मेरी भागीदारी क्या होगी, इसके संबंध में क्या विचार करूंगा, इन सब के बारे में निर्णय हुआ कि अच्छा ऐसा है, इस प्रकार से चीजें व्यवस्थित हैं। तो अनुभव के साथ हमारे अंदर वो जो शेष रह गया था वो पूरा हुआ। अब बोध की पूर्णता के साथ एक अवस्था के बारे में जो मैं विचार कर रहा था, ठीक, अब उसमें पूर्णता की संभावना बनी। तो ये संकल्प के रूप में दिखाई देता है कि अच्छा ऐसे जीना है शरीर के साथ, शेष प्रकृति के साथ, है ना, ऐसे जीना है, उसमें संपूर्णता आ गई। इसके साथ मेरे भाव में पूर्णता आ गई। भावों को मैं देख रहा था अवस्थाओं के साथ, इकाइयों के साथ, मानव के साथ, शेष प्रकृति के साथ, परंतु पूर्णता नहीं थी। अब उसमें पूर्णता आ गई सांस्कृतिक अनुभव के साथ। ये कोई विशेष बात नहीं है, पूरा अस्तित्व ही ऐसा है। मैं नहीं देख पा रहा था, मैं विमुख था इससे, है ना। अब मैं उस तरफ उन्मुख हो गया, ध्यान दे दिया, दिख गया मुझे, तो मेरे भावों में पूर्णता हो गई। ये जो एक एक भाव को मैं पहचान रहा था विश्वास सम्मान से, अब सब दिखता है कि सहअस्तित्व का ही प्रकटन है ये। विश्वास का भाव ही क्या, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं तुम्हें सुखी करना चाह रहा हूँ, तो हमारा और दूसरे का सहअस्तित्व ही तो है ना। मैं शरीर के साथ व्यवस्था को देख पा रहा था, अब वो क्या अल्टीमेटली मेरे और शरीर के बीच सहअस्तित्व ही तो है, मेरे और शेष प्रकृति के बीच सहअस्तित्व ही तो है, जिसके कारण मैं अपने आप से कहता हूँ तो पूछ के मुझे निर्णय लेता है, पूछ के मुझे दिखाई देता है कि मैं शेष प्रकृति का संवर्धन करना चाहता हूँ, संरक्षण करना चाहता हूँ, सदुपयोग करना चाहता हूँ, क्या है अल्टीमेटली। तो मेरा और शेष प्रकृति का सहअस्तित्व ही तो है। तो मेरे भावों में पूर्णता हो गई, उसमें कोई गैप नहीं रहा, उसमें कुछ भी शंका नहीं रही, जो कुछ भी अनुभव के अभाव में शेष रह गया था वह पूरा हो गया। तो उससे मेरे फिर चित्रण में इन सब के साथ कैसे जीना है, इसका पूरा चित्रण फैला। और जो भी मान्यताएं मेरी बनी हुई थी, एक एक करके उनका मूल्यांकन शुरू हुआ और वो तिरोहित होती चली गई। तो मेरे चित्रण में ये संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, सस्तित्व का भाव स्पष्ट हुआ। और इसके साथ
आगे जीने के लिए पूरी एक योजना कार्यक्रम बननी तैयार हुई, मानव लक्ष्य की पहचान हुई। तो चित्रण में फिर स्पष्टता बनी, उससे फिर मेरे तुलन क्रिया में पूर्णता हुई। जहां मैं प्रियहित लाभ में पहले फंसा हुआ था, न्याय धर्म सत्य को मैं, न्याय और धर्म को मैं एक सीमा तक तो देख पा रहा था, बट सत्य की दृष्टि के अभाव में उसमें अभी अपूर्णता थी, अब वो पूर्ण हो गया। सत्य की दृष्टि जागृत हुई, ऊपर सत्य का अनुभव हुआ, उससे विचार में सत्य की दृष्टि जागृत हुई। सत्य की दृष्टि जागृत हुई तो संपूर्णता में देखा चीजों को, संपूर्णता में विचार करना शुरू किया। तो उसके आधार पर धर्म और न्याय की दृष्टि पूर्ण हुई, उसके आधार पर जो प्रियहित और लाभ की दृष्टियां थी वो नियंत्रित हुई। तो प्रिय का सदुपयोग क्या है, हित का सदुपयोग क्या है, लाभ का भी स्वाभाविक अर्थ क्या है। तो अब मैं जब विनिमय करने जाता हूँ तो परस्पर पूरकता के अर्थ में, परस्पर समृद्धि, उभय समृद्धि के अर्थ में करता हूँ, न कि अधिक से अधिक सुविधा कमाने के अर्थ में। जब मैं शरीर का ध्यान रखता हूँ तो भोग के अर्थ में नहीं, बल्कि शरीर को एक साधन के रूप में कैसे मैं और बेहतर ढंग से सदुपयोग कर पाऊँ उस अर्थ में। संवेदनाओं का मैं प्रयोग करता हूँ सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि मुझसे जो कुछ बाहर है उसके बारे में सूचना लेकर उसका सही मूल्यांकन करके भागीदारी के अर्थ में। इस अर्थ में मेरे विचार व्यवस्थित हुए। अब मैं जो विश्लेषण करूंगा उस पूरी दृष्टि के साथ करूंगा, सत्य धर्म और न्याय की दृष्टि के साथ करूंगा, है ना। मेरा जो भी विश्लेषण होगा मुझ में, तो अब समस्या केंद्रित नहीं, समाधान केंद्रित विश्लेषण होगा। जब भी कोई समस्या मेरे अंदर आएगी, या मतलब समस्या की सूचना मेरे अंदर आएगी, मैं उसका तत्क्षण समाधान देख पाऊंगा। तो जो भी विश्लेषण अब चलेगा इसी सत्य धर्म न्याय की दृष्टि के साथ होगा, इससे जो मेरे अंदर आस्वादन होगा हर क्षण सुख का होगा। अब मेरे अंदर कोई उथल पुथल, अंतर द्वंद, अंतर विरोध चलता ही नहीं है। मैं हर क्षण आराम में रहता हूँ, अपनी भागीदारी को हर क्षण देख पाता हूँ और उसको पूरा करने का हर क्षण निर्णय ले पाता हूँ। तो जो भी निर्णय होंगे चयन में, उस पूरे ज्ञान के साथ होंगे, समाधान के साथ होंगे, और वैसा ही मेरे व्यवहार में जाएगा, कार्य में जाएगा, भागीदारी में जाएगा। ये क्रम दिखाई देता है। तो आचरण की शुरुआत कहाँ है, स्वयं से ही। तो आचरण फिर बाहर नहीं है, मेरे स्वयं में भी है। ये जो मैं विचार कर रहा हूँ ये भी मेरा आचरण है, ये जो मेरे अंदर भाव उठ रहे हैं ये भी मेरा आचरण है, ये जो मैं चयन कर रहा हूँ ये भी मेरा आचरण है, जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ ये भी मेरा आचरण है। तो यहाँ पे मुझे पहला प्रमाण मिलता है उसका, अपने ज्ञान का प्रमाण यहाँ मुझे पहले दिखाई देता है, फिर यही भागीदारी में जाता है। भागीदारी में भी जो फल परिणाम आते हैं उसको मैं इसी ज्ञान और समाधान के साथ मूल्यांकित करता हूँ और हर बार योजना बनाता हूँ ताकि उभय सुख हो, उभय समृद्धि हो, मेरी भागीदारी मानवीय परंपरा तक जाए। ये बात स्पष्ट है जो मैंने रखी। इसको लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। अभी हम धीरे धीरे जो भी चर्चा चल रही है, जो भी है, अपन ऐसा लग रहा है आखिरी पड़ाव में है अभी, है ना भैया, आखिरी मॉड्यूल आपने बताया कल। तो भैया जब ये सब हमारे में सारी की सारी डेवलपमेंट हो गई है ऐसा लग रहा है, लेकिन वो हुआ नहीं है अभी हमको। आवाज नहीं आ रही भैया की, आवाज नहीं आ रही अभी, देखिए तो अभी तो वही जगह आ रही ना। हाँ वो हो सकता है ये इसे क्या बोलेंगे भैया, जैसा आवाज है ना, स्पेस से थोड़ा ये हो गया है ना, शून्य नहीं, नहीं, स्पेस से नहीं हुआ, इकाइयों की परस्परता में हुआ है। इकाई के बाहर वही वही बात है। तो भैया आजकल हम लोग जो है आपके मतलब ये जो भी आपने सूचनाएं दी है इसके कारण हर एक चीज को हम ऐसा ही मानने लगे, मतलब उसको मानना बोले तो जानना शुरू कर दिया। तो ये जो डीटी आपने बताया उसको मैंने ऐसे ध्यान में रखा है कि हम लोग सभी टेक्निकल वाले AICTE और DTE, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो DTE इसको पहले अपने को देखना है, जैसे हम जहाँ निर्वाह कर रहे हैं सब। नहीं नहीं इस तरह से करने से ना फिर वो हल्की बातें हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। जैसा वैसा देखिए, इसका कोई सिमिली ड्रॉ नहीं करना है, इसका कोई नया फॉर्मुलेशन नहीं बनाना है, ये याद करने के लिए कोई नुस्खे नहीं बनाने हैं। जैसा वैसा देखिए,
बिल्कुल बिल्कुल हाँ नहीं नहीं वो एक आया था ख्याल, तो मैं मेरा तो स्वभाव है बोल दिया तो लेकिन जब हम कुछ भी कर जाते मतलब डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन के ऊपर, तो जब हम किसी को समझाने जा रहे हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है कि वो बोलते तुम्हें क्या जरूरत है, मतलब आप अपने आप डेवलप हो जाइए, दूसरों को डेवलप करने की क्या जरूरत है। जैसे हमने अभी जो सार निकल रहा है कि हमको सार्वभौम व्यवस्था देखना है, तो ये व्यवस्था देखने के लिए हमको अपने आप को भी कुछ लगाना है, कुछ परिश्रम करना है, तो उसमें हमको दूसरे की कॉम्पिटेंसी भी बढ़ाना है। जैसे अभी आज सवेरे से डिस्कस चल रहा कि अगला समझता नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है या तो इसमें हम थोड़ा सा कैसे उभरे भैया, जब हमको बाकी लोग बोलते हैं कि ये तुझे करने की आवश्यकता नहीं, तो इस पे थोड़ा डिस्कस हो जाए भैया। यही मेरी सहस्वीकृति, अगर मुझे संबंध का भाव दिख रहा है और मेरा संबंधी दुखी है तो मैं अपने आप को क्यों रोकूंगा, मैं सुख के लिए भागीदारी तो करूंगा ही ना। तो ऐसा नहीं, अभी थोड़ा सा हमें क्या लगता है कि दूसरों को सुखी समृद्ध करने के क्रम में जो हम प्रयास कर रहे हैं ये एक लाइबिलिटी बन गई है मेरी, तो ऐसा नहीं है, यही मेरी सहज स्वीकृति है। इनफैक्ट मैं ऐसा नहीं करूंगा तो परेशान होऊंगा, जब मेरे अंदर समाधान है और दूसरे व्यक्ति को समाधान की आवश्यकता है तो मैं क्यों एक जगह बैठा रहूंगा दूसरे तक नहीं पहुंचूंगा, तो मैं तो पहुंचूंगा ही नहीं, ये तो सहज प्रक्रिया। इसके लिए अलग से हमको कोई श्रम करना पड़ रहा है ना, अलग से हमें कोई बोझ उठाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, ये तो सहज प्रक्रिया है। मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं, है ना, मेरे अंदर समाधान है, मैं देख पा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि समाज में लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो मैं कमरे में क्यों बैठा रहूंगा, मैं तो उन तक पहुंचूंगा ही, मैं कमरे में बैठा हूँ भी अमानवीयता है फिर तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें जो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है, सहज स्वीकृति है, उसके आधार पे ही काम करना है हमको। अगर ये लगता है अभी तो ये बंद हो रही है कि सहज स्वीकृति नहीं, मुझे दिख रहा है, जब मुझे दिख रहा है तो मैं दूसरे को देखने में सहयोग तो करूंगा ही ना, अन्यथा क्या करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो ये जो हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट माने ना भैया उसको, जो भी हम अभी आपने जो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे दूसरों को कुछ अच्छा करने की इच्छा हो रही है, तो ये अपने ये एक नेचुरल आउटकम है, रिजल्ट ना कहे, नेचुरल आउटकम है। जैसे मेरे अंदर अगर ब्लॉक B1 में जागृति हुई, उसका नेचुरल आउटकम है कि ब्लॉक B2 में क्रियाओं में कंप्लीटनेस होगी, उसका नेचुरल आउटकम है। मेरे को जब स्वयं में संबंध का भाव स्पष्ट हुआ तो मेरी इच्छाएं तो संबंध के भाव के आधार पर ही होंगी ना, विचार तो संबंध के भाव के साथ ही चलेंगे ना, उसका नेचुरल आउटकम है। और वो परस्परता में भी जाएगा, वो भी उसका नेचुरल आउटकम है। मुझे मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है ना जी, इससे मैं श्रम कर सकता हूँ, मुझे भाषा ज्ञान है, मैं दूसरे मनुष्यों के साथ रह भी रहा हूँ, मैं क्यों उनके साथ संबंध का निर्वाह नहीं करूंगा। अगर वो भाषा समझ पा रहे हैं, मैं भाषा को बोल पा रहा हूँ, तो अपनी भाषा पहुंचाऊंगा ही, वस्तु पहुंचाऊंगा ही, तो आपको दिखेगा कि ये अखंड समाज में भागीदारी एक नेचुरल आउटकम है। मुझे ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई अलग से बोझ उठाने जैसा निर्णय लेना पड़ रहा है, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी एक नेचुरल आउटकम है। मुझे दिख रहा है कि वायु में प्रदूषण हो रहा है और जंगल समाप्त हो रहे हैं, तो क्यों ना प्राणावस्था को फिर से पुष्ट किया जाए, मैं सहज रूप से भागीदार हो जाता हूँ। पशु पक्षी की जरूरत है धरती पे और वो नष्ट हो रहे हैं, तो क्यों ना इनके पोषण संरक्षण के लिए भागीदारी किया जाए। तो जो आचरण है वो एक नेचुरल आउटकम है, ये भी एक आपके प्रश्न से मैं ध्यान ले आता हूँ कि मुझे आचरण के लिए अलग से कोई निर्णय लेना पड़ता है, ऐसा नहीं, ये निर्णय उसका एक नेचुरल आउटकम है। मुझे दिखा तो मैं ऐसा जीऊंगा ही, जीऊंगा तो मैं भागीदारी करूंगा ही, और भागीदारी जब भी करूंगा मानवीय परंपरा तक जाएगा ही। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल आपके विचार से ही मेरा जो आचरण है, मैं वही एग्जांपल देना चाह रहा था, मेरा कहने का मतलब भी वही था कि अभी जैसा बारिश हो गई और पेड़ लगाना चाह रहा हूँ मैं, हमेशा आई एम इंचार्ज फॉर दैट, तो वो प्लांटेशन की एक्टिविटी मेरी हर साल चलती है, नियर अबाउट 15,000 जो है टोटल झाड़ मैंने लगा है, सभी मतलब पूरा जो 12 एकड़ का कैंपस है उसको अभी भी मैं ग्रीन अभी भी हर साल करता हूँ। तो जब ये करने जाता हूँ मेरी आंतरिक इच्छा है, तो मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता है, बराबर है ना, मैं अकेले तो नहीं कर सकता हर साल 200-300-500 झाड़ लगाना, तो उसमें मैं लोगों की भागीदारी चाहता हूँ तो फिर नीचे के लोगों को मैं कुछ ले जाता हूँ, चलो ये काम करो, वो करना है, मुझे करना है, तो फिर बाकी लोग मुझे ये बोलते तू ही क्यों ये करता है, ये बाकी सभी क्यों नहीं करते, ये यही मेरा मतलब आचरण में लाना है, तो ये मेरा सही चल रहा है ना भैया।
या कहीं गलती हो रही है? सही चल रहा है। और उसमें यह है कि अभी आप पेड़ तो लगा रहे हैं, बट हो सकता है उन व्यक्तियों के साथ काम न कर रहे हो जो आपसे प्रश्न कर रहे हैं, तो उनके साथ वर्कशॉप भी करेंगे। संपूर्ण कार्यक्रम नहीं है, उनको भी अपने जैसा, उनकी भी सोच अपने जैसे बना ले, बराबर है भैया? ऐसा भी नहीं कहेंगे, उनकी सोच अपने जैसे बनानी है, उनके विकास में सहायक होना। अगर मेरी सोच ठीक है तो हमारी सोच उनकी जैसे होगी, है ना, मतलब उनकी सोच हमारी जैसे होगी। अगर मेरी सोच ठीक नहीं है तो दोनों मिलकर सही सोच तक पहुंचेंगे। तो मुख्य मुद्दा तो व्यक्ति को अपने स्वभाव में स्थापित करना है, व्यक्ति में व्यवस्था का भाव को सुनिश्चित करना है। जी जी, मतलब तो मुझे काम ना करें और खाली शेष प्रकृति में काम करें, ये चैलेंजेस रहेंगे। आपने 15,000 पेड़ लगाए, ठीक, हो सकता है अगला मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति आए और उसमें से 14,000 पेड़ उखड़वा दे, ये तो नई बिल्डिंग बन रही है। ऐसा हुआ है भैया, वो केबल लाइन डालते वक्त मेरे 200-300 पेड़ निकल गए, मैंने बहुत बौखलाया, कंप्लेंट किया, ये किया। जब केबल डाला जाता है ना सुविधा के लिए, इंटरनेट केबल, केबलिंग था वो दीवार के साथ, तो मैं बहुत झल्लाट हुई सब हुई, फिर मैंने बोला चलो जाने दो, अपने आपको ये करके फिर लगा। तो जी भैया, ये परिमार्जन दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जैसे जैसे याद आ रहा हूँ मैं पूछते जा रहा हूँ। जी नमस्ते भैया, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ। ये अच्छी आपने सूचना दी है ना, ये हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 15,000 पेड़ लगाए हैं। आप एक बार और मॉनिटरिंग करिएगा कि उनमें से कितने पेड़ चल रहे हैं अभी ठीक ठाक, है ना, जो पुष्ट हो पाए और पौधे से पूरे वृक्ष में परिणत हो पाए, तो उसकी एक संख्या जरा निकाल के बताइएगा। जी हाँ जी 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 भैया, मैं और एक बता रहा हूँ कि ये इसको परिमा इसको बढ़ाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए मैं जो ईवीएस या यूएचवी पढ़ाता हूँ, तो हर एक बच्चे को वो पेड़ मैंने दत्तक दे दिया, वो झाड़ को बच्चे का नाम है, आप चाहे तो उसके फोटो में भेज सकता हूँ जो कैंपस में मेरे पूरे बाउंड्री में। आप उस पे एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, तो वो हम लोग बाकी कॉलेज में भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, एक कॉलेज के फैकल्टी ने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, ऐसा इनिशिएटिव है ना, हर कॉलेज में लिया जा सकते हैं। बिल्कुल, वो मैंने बताया था जब उमेश भाई आए थे ना हमारे यहाँ, मेरे यहाँ मैंने वो एफडीपी लिया लास्ट ईयर, तो वो सबको बताया कि देखो झाड़ को बच्चों के नाम लगे, और वो कंपलसरी हमारे कॉलेज ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने वो भी उसको मान्यता दे दी है। जी भैया जी नमस्ते, बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया भैया। का प्रश्न है, आई सॉ दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग थिंकिंग ऑफ और पेइंग अटेंशन टू पर्टिकुलर सेंसेशन इज नॉट ओनली माय डिसीजन बट इट इज व्हाट आई कंसीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दैट मोमेंट। दोनों बात एक ही है, आप जो सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं उसी अर्थ में आप डिसीजन भी लेती हैं, तो दोनों एक ही है। बढ़िया, कुछ हैंड्स रेज हैं, प्रश्न लेते हैं। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी। भैया ये जो स्लाइड अभी हम लोगों के सामने है, तो उसमें देख रहे हैं कि क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, और उसके ऊपर जा रहे हैं तो क्लैरिटी ऑफ हार्मोनी इन नेचर, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इनेटनेस, ये दोनों का तो समझ में भी आता है, आचरण में भी आना शुरू हुआ है, लेकिन जब ये क्लैरिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस इन एग्जिस्टेंस सबमर्जेंस जाते हैं, ये थोड़ा भारी जैसा लगता है, मतलब ये इसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं, मतलब उसको पूरा समझ नहीं पा रहे हैं उसको। और आज जी, जी जी इस पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी, मॉड्यूल 3 में भी की थी, मॉड्यूल 4 में भी किया था, थोड़ा आपका वो रह गया, आप उस समय पूरे समय नहीं आ पाए थे, तो अस्तित्व के अनुभव को लेकर हम लोग विस्तार से चर्चा की थी, जो यूट्यूब पे लेक्चर अगर आप सुनेंगे जी उससे आपको विस्तृत चर्चा मिलेगी। संक्षेप में देखें तो ये दिखता है कि व्यवस्था के आधार में सहअस्तित्व है, संबंध के आधार में सहअस्तित्व है, और सहअस्तित्व के अनुभव से ही संबंध का ज्ञान, व्यवस्था ज्ञान पूरा होता है। अच्छा जी, इसको आप वहां सुन लें यूट्यूब लेक्चर पे, तो पूरा, क्योंकि पूरे को रिवाइज करेंगे तो फिर काफी समय लगेगा। जी जी जी, ठीक है भैया, मैं उसको लेक्चर को अपने से उसको सुन लूंगा, सुनकर करूंगा, और यदि कहीं कोई दुविधा हुई तो आपसे पूछ। जी बिल्कुल, कॉल कर लीजिए। हाँ जी जी, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया जी, भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है, और वो ये है कि जो अस्तित्व है, प्रत्येक यूनिट जो है वो अस्तित्व में बनी हुई है, और मैं भी अस्तित्व में बना हुआ हूँ, तो मुझे मेरा स्वरूप दिख जाए, और मुझे ये भी दिख जाए कि मुझे
मुझे करना क्या है। अभी तो पहले तो यही लगता था कि मुझे बहुत कुछ करना है और सब कुछ मुझे ही करना है, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। लेकिन कुछ समय से अब जैसे जैसे ये दिखना शुरू हुआ तो लग रहा है कि अस्तित्व तो है ही, व्यवस्था बनी ही हुई है और मैं भी बना ही हुआ हूँ। मैं जीवन के रूप में तो बना ही हुआ हूँ, मैं निरंतर हूँ। तो ये जैसे जैसे स्पष्ट होता है वैसे वैसे अपने में एक हल्कापन जो है वो आने लगा है। और जो करने का भाव है, जैसे पहले मैंने बहुत किया, अभी भैया बोल रहे थे 15,000 पेड़ लगाए हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 10,00,000 पेड़ लगाए हैं। तो पहले कहीं भी कोई बात होती थी तो मैं अपने करने का गुणगान शुरू कर देता था, लेकिन अब उसमें बहुत बड़ी मेजर शिफ्टिंग हुई है। पहले मैं मॉडल बनाता था कि देखिए मैंने इतने तालाब बनाए हैं, लेकिन आज अब पूरी की पूरी सृष्टि की व्यवस्था की ओर ध्यान चला गया, अस्तित्व की ओर ध्यान चला गया कि अस्तित्व में सब कुछ बना ही हुआ है, जितनी भी यूनिट है वो अस्तित्व में बनी हुई है और नियम नियंत्रण संतुलन में है। तो ये जैसे जैसे ध्यान शिफ्ट हो रहा है कि करने का भाव, मैं महत्वपूर्ण हूं, इसकी जगह जो भागीदारी है उसका रोल दिखने लगा है। प्रकृति में भी मुझे पेड़ लगाना है ऐसा कुछ भी नहीं है, पेड़ तो हो ही रहे हैं, उनको मुझे देखना है, उनके सदुपयोग को देखना है, उनके सारक मारक प्रभाव को देखना है, वो मेरा काम है और देख करके मुझे सदुपयोग करना है। तो करने का भाव धीरे धीरे, जो करने का जो अहम है वो मेरा डाइल्यूट हुआ है और अब समझने का, व्यवस्था को समझने का और अस्तित्व को समझने का और मानव मानव संबंध को समझने का भाव जो है वो एकदम से बढ़ रहा है और उससे मैं अपने में भी काफी हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। और कभी कभी तो ये करने का भाव मैं अपनी पत्नी तक ले जाता था और वो रिजेक्ट कर देती थी और यही लड़ाई का कारण होता था। मुझे लगता था मुझे समाज में इतना सम्मान मिल रहा है, तुम भी सम्मान करो, और वो कहती थी कि आपने अभी ये नहीं पूछा कि यहाँ घर में आटा है कि नहीं है, तो अभी आप व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं, घर में भी एक व्यवस्था है। तो ये जो दिखने का भाव है ये जैसे जैसे बड़ा है वैसे वैसे अब व्यवहार में, संबंध में, सृष्टि में, अब सृष्टि में मैं इस समय अपने उसमें देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ किस प्रकार से पक्षी बीज बो रहे हैं। अभी मानव बड़ा परेशान है कि बीज बोना है, तो मैंने एक ऐसा परंपरा बना दी है कि कुछ जो सब्जियां मैंने बोई थी, जो बीज बोए थे, उनसे पेड़ तैयार हुए, उन पेड़ों से पक्षी बोने का काम कर रहे हैं, हमारे वृक्षों पे आके वो चहचहाते हैं और बीज भी बोते हैं। तो ये दिखाई दे गया है, इसलिए अब हल्कापन आ रहा है। यही बात आप भी कर रहे हैं भैया और वो बात मुझे बहुत क्लिक कर रही है और उससे और ध्यान चला जा रहा है। भैया इतनी बात करूं जी। बढ़िया भैया, इसको थोड़ा मैं और स्पष्ट कर दूं जी। तो जीना मेरे समझ का एक नेचुरल आउटकम है, तो उसमें दो बातें होंगी। तो ऐसा नहीं कि मैं पेड़ नहीं लगाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा, पेड़ की एक व्यवस्था बनी हुई है और सारे पेड़ मुझे लगाने, ऐसा भी नहीं है। चिड़िया भी पेड़ लगा रही और दूसरे मनुष्य भी पेड़ लगा सकते हैं। जो पेड़ लगाया उनका मैं संरक्षण भी करूंगा, सदुपयोग भी करूंगा, और साथ में मुझे अपने अंदर इससे कोई अधिमूल्यन में चला जाऊं ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। मुझे लगता है एक सहज प्रक्रिया है। तो एक स्थिति है कि जंगल समाप्त हो रहे हैं और हम इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी स्थिति है कि हम जंगल समाप्त हो रहे हैं तो हमने इनिशिएटिव लिया, पेड़ लगाए, बट उसके साथ मेरे अंदर एक अहमता का भाव आ गया कि देखो मैंने कुछ विशेष काम किया। तीसरी स्थिति है, मुझे दिखता है कि पेड़ लगाना एक सहज कार्यक्रम है ना, इसमें अहमता कोई बात नहीं और ये सभी की भागीदारी हो सकती है इसमें, और सिर्फ पेड़ लगाने तक ही मेरा कार्यक्रम निश्चित नहीं है, बल्कि अगले मनुष्य तक सही प्रस्ताव पहुंचाना, मनुष्य को विकसित करना, ये मुख्य काम है। तो अब मैं समग्रता में देखता हूँ जी। मुझे लगता भगवान भी अभी यही कहना चाह रहे थे जी। भैया यही कहना चाहता हूँ मैं जी। मैं सिर्फ जैसे अब अपने में इनबिल्ट हो जाता है कि भाई मुझे तो कहीं बीज मिल जाएगा तो मुझे तो ये करना ही है, और इस करने से एक मेरे में भी जिम्मेदारी का भाव आता है और सृष्टि भी पुष्ट होती है। तो पुष्ट करने का काम तो मुझे करना ही है ना, नेचर का रोल तो मुझे समझना ही है। तो इतनी ही बात कर रहा हूँ भैया, वही बात कर रहा हूँ जी जी।
बढ़िया भैया। तो एक छोर पे देखें तो स्वयं में ज्ञान की पूर्णता है अनुभव के साथ, दूसरे छोर पे देखें उसी का प्रमाण है बाहर, एक्सप्रेशन है बाहर, और वो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा तक जा रहा है। और इस पे हम लोगों ने देखा भी था कि ये दोनों छोर पे मैं एक साथ काम कर रहा होता हूँ, तो जितना जितना मैं बाहर अपने आचरण पे ध्यान देते हुए सही भागीदारी करने का प्रयास करता हूँ, उतना ही उस आचरण के मूल में जो ज्ञान है उस पर ध्यान जाता है, और जितना जितना ज्ञान के लिए काम करता हूँ मेरा आचरण सहज रूप से उसी अर्थ में व्यवस्थित होता जाता है। नहीं तो स्वयं में एक छोर पे मैं अनुभव के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरे छोर पे सहज रूप से मैं मानवीय परंपरा में भागीदार हो रहा हूँ। तो ये एक मॉडल निकल कर आता है जीने का, एक ढंग निकल कर आता है देखने का कि ऐसे जिएंगे हम, है ना। तो जो अभी तक शब्दावली का प्रयोग हुआ उन शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए ये जीने का निश्चित आचरण के साथ एक निश्चित मॉडल दिखाई देता है, उससे मेरे स्वयं में सुख शांति संतोष आनंद ये स्थिति बनी रहती है, और परस्परता में जो मैं निर्वाह करता हूँ उसमें उभय सुख होता है, उभय समृद्धि होती है, उसी के फैलाव के रूप में अखंड समाज होती है, सार्वभौम व्यवस्था होती है, और सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं बल्कि हर एक पीढ़ी के लिए व्यवस्था बनती है पीढ़ी दर पीढ़ी। इनफैक्ट अभी भी देखें तो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ अज्ञान के ही कारण अभी हमने धरती को कुछ ऐसा बना दिया है, धरती के होने पर प्रश्न चिन्ह है, और वो ज्यादा अगर देखें तो पिछले 400-500 साल में हुआ है जब से सुविधाओं पे हमारा ध्यान ज्यादा गया है कि नहीं, उससे पहले इतनी भयावह स्थिति नहीं थी, और अपने को दिखता है कि अगले 100 साल में चीजें ठीक भी हो सकती हैं। प्रकृति अपने आप में व्यवस्था है, हम उसको बस बने रहने दें पर्याप्त है, जो हम प्रकृति से ले रहे हैं वो निश्चित हो, जो प्रकृति में दे रहे हैं वो निश्चित हो, तो जितनी सुविधा की आवश्यकता उतना प्रकृति से लेंगे, और इस विधि से उसमें वापस उसको जाने का प्रबंध करें ताकि प्रकृति की व्यवस्था बनी रहे, तो न पॉल्यूशन फैलाएंगे न रिसोर्सेज को डिप्लीट करेंगे कि नहीं। तो ये जीने का एक क्रम दिखाया, वैसे मानव के साथ भी कि हर मानव सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, तो उसमें समझ और भाव को इंश्योर करना शेष है, ये होगा तो हर मानव में ये पोटेंशियल है कि हर एक मानव के सुख में भागीदार हो जाए। एक बार ये बात शिक्षा में ठीक से आ जाए, शिक्षा से कल के पेरेंट्स भी तैयार हो रहे हैं, शिक्षक भी तैयार हो रहे हैं, जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो भी तैयार हो रहे हैं, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो भी तैयार हो रहे हैं कि नहीं, तो हर आयाम में बात जा सकती है। तो शिक्षा पे एक बार ठीक से काम हो जाए, प्रस्ताव ठीक से समाज में चला जाए। देखिए अभी भी देखें तो पिछले 15 सालों में काफी काम हो गया है, पिछले 15 सालों में अमूल्य शिक्षा कोई अजूबा वस्तु नहीं है, कोई नया वस्तु नहीं है, कोई इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता। आप लोग कह रहे हैं इसका प्रमाण कहाँ है, तो मूल्य शिक्षा की जरूरत है बिल्कुल, है ना, इस पर सभी सहमत हो गए। पहले तो इस पर बात होती थी कि इसको अलग से पढ़ाना क्यों है, इसमें एग्जाम क्यों लेना है, इसमें क्लासेज क्यों चलनी है, इसको टेक्निकल कोर्सेज का इनपुट क्यों बनाना है, भाग क्यों बनाना है, अब सभी उस पर सहमत है। तो एक निश्चित रूप से परिमार्जन दिखाई दिया है। अभी ये भी दिख रहा है कि जो बहुत सारे क्राइटेरिया बन रहे हैं शिक्षा के लिए उसमें भी शामिल होता जा रहा है, कहाँ से कैसे शामिल हो रहा है उसको ट्रेस करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा कि NAAC का जो रिवाइज क्राइटेरियन आया है 2023 में, उसमें अब ह्यूमन वैल्यूज को लेकर जो प्रोग्राम्स चले हैं उसका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको भी इंश्योर करना है कि आप उसमें सबमिट करें। पहले सिर्फ आखिरी क्लॉज में कहीं एक जगह था, अब उसको बीच में भी शामिल कर दिया गया है। तो जो ये काम चल रहा है मूल्य शिक्षा का, क्रमशः आप देखें तो हर दिशा में जा रहा है, नीतियों में भी जाएगा, नई शिक्षा नीति आई उसमें भी शामिल हो गया है, है ना। तो 15 साल से जो काम हो रहा है वो, उसके पहले जो इतिहास है पूरा वो, उन सबके योग संयोग से आप देखें तो बहुत सारा काम दिखाई देने लगा है, यही फिर समाज के दूसरे आयामों में भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो सहज रूप से ये बात पहुंचती ही जा रही है, नीतियों में भी जा रही है, समाज में भी जा रही है, लोग के मानस में बैठ रहा है। तो इसी तरह से अगर हम अपने आप में काम करते रहे और भागीदारी करते रहे तो धीरे धीरे समाज के हर आयाम में एक सहज बात होगी, न्यायालयों में इसकी बात होनी शुरू हो जाएगी, जेल में कैदियों में इसकी बात शुरू होने जाएगी, होने लगेगी, है ना, डॉक्टर्स की भी इसकी बात करने लगेंगे, तो ये एक सहज रूप से फैलेगा ही। तो अगले 100-150 साल में काफी संभावना है कि अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जीने का एक कार्यक्रम बन जाए। अभी
देखें तो दूसरी तरफ से भी बहुत सारा प्रयास हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, यानी आवर्तनशीलता की बात हो रही है। ये भी बात हो रहा है कि शिक्षा में खाली रिसर्च नहीं करना, उससे एक्सटेंशन भी होना है। सरकार पूछने लगी है, संस्थाएं पूछ रही हैं कि आपने जो कॉलेज में रहकर काम किया उसके आसपास के गाँव पे क्या प्रभाव पड़ा, आसपास के वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ा, है ना, बीमार लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इस तरह के प्रश्न भी उठने लगे हैं। बढ़िया। हाँ भैया, अब वो न्यूज पे हमें, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अब आ रही है आवाज? पूछू क्वेश्चन? हाँ हाँ पूछ लीजिए। हाँ ठीक है भैया, भाई आज बड़ी अच्छी स्पष्टता हुई इस बात में कि अगर मैं किसी का सहयोग करता हूँ तो ये मेरी सहज स्वीकृति है इसमें, और सिंपल सहजत्व का ये प्रकटन है, तो इसलिए हमें सहयोग करते हुए अच्छा लगता है। लेकिन मानो एक व्यक्ति है जिसके साथ आप बराबर सहयोग करे जा रहे हैं और उधर से किसी प्रकार का रिएक्शन आ रहा है या एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, तो फिर हमारे मन में भी आने लगता है कि क्यों इसके साथ सहयोग किया जाए। अगर दूसरा आदमी उल्टा कुछ पॉलिटिक्स खेल रहा है या कुछ ऐसी चीज कर रहा है तो फिर उस बात का दुख क्यों होने लगता है? वही, क्योंकि हमें एक तो उसकी चाहना स्पष्ट नहीं है, हमें नहीं दिख रहा है अभी कि वो सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है। अगर हम ये स्पष्ट हो जाए तो दिखता है कि कंडीशनिंग गलत हो गई है, और मेरे करने से उस व्यक्ति में समझ सुनिश्चित हो जाएगा ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति में जो पहले संस्कार बना हुआ है, जो व्यक्ति स्वयं में प्रयास कर रहा है और जो वातावरण से इनपुट मिल रहा है, उस वातावरण के इनपुट के रूप में एक भाग मैं हूँ, मैं संपूर्ण तो हूँ नहीं, उन सब के योग सहयोग में उसमें परिमार्जन होगा। तो मेरे अंदर इन सबके साथ एक धीरता का, वीरता का भाव भी बनता है, उदारता का भाव भी बनता है। तो अभी हम उलझ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे चाहना पे, हमको उसके चाहना पे शंका हो जाती है, या उसके समझने की क्षमता पे शंका हो जाती है, या समझने की विधि पे शंका हो जाती है। ये भी देखना होगा कि जब हम सहयोग कर रहे हैं वो समझ के अर्थ में भी कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ सुविधाओं के अर्थ में या कुछ लेन देन के अर्थ में कर रहे हैं, है ना, या सिर्फ भाव सही पहुंचा रहे हैं। अगर हम उसको सही वस्तु का प्रस्ताव पहुंचा पाए तब जाके उसके अंदर परिमार्जन शुरू होगा, नहीं तो मानने के आधार पर ही जिएगा, और मानने में परिवर्तन होता रहता है। आज जो हमारे अनुसार चल रहा है, सहयोग कर रहा है, कल को ना करे। ज्ञान से ही आचरण की निश्चितता ये हमको दिखाई दे। ठीक है भैया, तो इसका मतलब मेरी योग्यता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ये बात समझ में आ जाए तो इसका मतलब मुझे भी अपने आप को इवॉल्व और अपने आप की कॉम्पिटेंस को बहुत हाई करना पड़ेगा ताकि मैं बात ठीक रख सकूं, नहीं तो उस बात का मुझे दुख मिलता ही रहेगा। अपनी पुअर कॉम्पिटेंस का मुझे दुख मिलता रहेगा, मैं कुछ अन्यथा सोचता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया भैया, समय हो चला है। थैंक यू भैया। असाइनमेंट ग्रुप में, जी भैया, असाइनमेंट ग्रुप में फिर ये रहेगा कि इस चीज को हम अपने आप में देखें, ये जो मॉडल वन के रूप में रखा गया है इसको हम समझें, ये जो एरोज हैं इसका क्या मीनिंग है, अनुभव से प्रमाण की ओर जो एरो गया, प्रमाण से बोध की ओर जो एरो गया, है ना, इसका क्या मीनिंग है, इस प्रस्ताव को थोड़ा हम लोग विश्लेषित करें, चित्रित करें, कल इस पर और आगे बात करेंगे। जी भैया समाप्त कर दीजिए, फिर इसके बाद हम क्लोज कर लेंगे। जी भैया, तो सभी साथियों का धन्यवाद। आज जो है, आज इस महीने का फर्स्ट संडे है, तो फर्स्ट संडे को हमारी नेशनल कंबाइंड मीटिंग रहती है जिसमें सारे देश भर से जो वॉलेंटियर्स है वो जुड़ते हैं। तो ये मीटिंग आज 11 से 1 बजे तक हिंदी में होगी और दोपहर में 3 से 5:30 बजे तक इंग्लिश में रहेगी। आज इसमें जो कीनोट टॉपिक है वो है कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग विथ रियलाइजेशन ऑफ को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व के अनुभव से ज्ञान की पूर्णता। इस मीटिंग में जो हमारे एक्टिविटीज चल रहे नेशनल लेवल पे, उसमें जो कुछ भी प्रोग्रेस हो रहा है और जो एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बातें रखी जाती है। उसी तरह से हमारे 2-3 साथी भी अपना शेयरिंग भी रखते हैं, तो इस मीटिंग को हम सभी जरूर अटेंड करें, उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल है। दूसरा जो मैसेज है वो स्टूडेंट्स वर्कशॉप जो होने जा रहा है 10 जुलाई से 15 जुलाई तक, ये शाम को 6 से 9 बजे तक रहेगा, तो इसकी रजिस्ट्रेशन अभी शुरू है, तो हम इस लिंक को हमारे स्टूडेंट के साथ में शेयर करते हुए उनको भी इस वर्कशॉप के लिए बता सकते हैं। और जो थर्ड मैसेज है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, वेबसाइट लिंक और यूट्यूब लिंक की अवेलेबल है, तो उसका भी हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद भैया, हम आज के लिए रुक सकते हैं। जी भैया, यहाँ रोक लेते हैं।
कल हम लोग पुनः मिलते हैं। असाइनमेंट हम सबके ध्यान में है ही। बढ़िया, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। नमस्ते।